क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्लैक मिथ वुकोंग का नेक्स्ट चैप्टर। पिछले चैप्टर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर कहीं पर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। पुराने चैप्टर में अपने साथ क्या हुआ था कि सुन वुकोंग करके एक मंकी किंग है जिसकी लड़ाई एक किसी सेलेस्टियल बीइंग के साथ हुई थी। फाइट बहुत ज़बरदस्त थी भाई उनकी, पर वो किसी एक माउंटेन के ऊपर जाके वो गिर गया था। मतलब उसने सेलेस्टियल बीइंग ने ऐसा धोया था ना उसको भाई कि वो बस भाई पत्थर के अंदर वो बना हुआ है। और हमें कोई एक पुराने बाबा थे, कोई पुराना बंदर था, उसने बोला है कि अपनी प्रजाति में से कोई एक बंदा होगा ऐसा जो उस सुन वुकोंग जो मंकी किंग था उसके 6 रेलिक्स को ढूंढ के लाएगा तो शायद सुन वुकोंग दोबारा से जिंदा हो जाए। मेरे ख्याल से हम लोग वही एक जो उस प्रजाति का कोई एक जो मंकी है या कोई भी एक करेक्टर है उसको हम लोग शायद प्ले करने वाले हैं। और हमारा मेन मिशन शायद यहाँ पे रहेगा कि अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग गुंडों से भिड़ना और वो रेलिक्स इकट्ठा करना और सुन वुकोंग को दोबारा से जिंदा करना। शुरू करते हैं अपनी नई जर्नी और देखते हैं कि हम किस करेक्टर से प्ले करने वाले हैं या किस तरह के की उसकी नई एबिलिटीज उसकी होने वाली है। ये कैसा फल पड़ा हुआ है भाई, फल कम कुछ और ज्यादा लग रहा है। ये कौन है? You see, कुछ लोमड़ी वोमड़ी टाइप के हैं। तो ये पीच इनको मिला है कहीं से और ये क्या हुआ भाई? You sneaky rascal. Dad, fool me. तो ये जो मंकी है ये शेप शिफ्टिंग वाले शायद कुछ है इसके पास, और मेरे ख्याल से हम लोग इसी से हम खेलने वाले हैं। हाँ यही है। तो अभी ये अपने को शुरू के थोड़े से कंट्रोल्स बता रहा है कि भाई इस तरीके से तुम्हें डॉच करना है, ऐसे अटैक करना है। तो शुरू के मेन कैरेक्टर अपने यही हैं जो हमें सिखाएंगे कि भाई क्या क्या करना है। ठीक है, इधर देखो। तो ये दो कोई साइड कैरेक्टर ऐसे जिन्होंने हमें बताया है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें कैमरा रोटेट करना और ऐसे तुम्हें अटैक करना है। थोड़े हम खुद से भी चेक कर लेते हैं क्या क्या कंट्रोल्स हैं। ये कूदने का है, ये डॉच करने का है, लाइट अटैक है और ये हैवी अटैक है। ठीक है भाई, जाना अपने को किधर है? ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये कुछ बचने बचने के लिए होगा शायद। चलो भाई पीछे की तरफ चलो, पीछे घूम के नहीं जाएगा क्या? सामने ही जाएगा। अच्छा कुछ है सामने तो इसलिए उसके ऊपर ये लॉक्ड है। हैवी अटैक, ओके। एक और लगाओ हैवी अटैक, ठीक है। शुरू में कुछ आएंगे अपने पास ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो हमें सिखाएंगे कि भाई फाइट कैसे करना है वो सब चीजें। सही एनिमेशन है जैसे नीचे गिरने वाला हो। कैसी खाई है यहाँ पर, इतना भी ज़्यादा गहरा नहीं है जितना ये ड्रामे कर रहा है नीचे गिरने के लिए। चलो ऊपर चलते हैं। इधर कुछ है? इधर कुछ नहीं है। पहले इधर चल के देखते हैं। ओ भाई साहब सही मारा हैवी अटैक ही। पर हैवी अटैक मारने के लिए ना थोड़ा टाइम अपने को चाहिए। इतने में हम हैवी अटैक चार्ज करेंगे इतने में बंदा सामने से हमें पेल जाएगा। विल और पता नहीं क्या क्या कुछ अभी मिल रहा है इसको। यहाँ पे अपने को कुछ ये रास्ता दिखा है उधर जाने के लिए। बहुत बोल रहा है अभी, सीखने दे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, इतनी बकवास मत करो। चलो उधर से हमें जाना है, इसमें देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्या मिला भाई? टाइनी पीस ऑफ गोल्ड और स्टोन स्पिरिट। कुछ गोल्ड वोल्ड अपने को मिला है शायद बाद में, कुछ एबिलिटी वेबिलिटी अपग्रेड करने के लिए या कपड़े वपड़े बनाने के लिए कुछ होगा शायद। यहाँ पे ये कुछ किसी टाइप का मंदिर है। ओके, तो कुछ किसी ने बोला है कि भाई अपने बाल वाल फाड़ो और यहाँ पे एक ऑफर दो, इस मंदिर के अंदर ऑफरिंग देनी है। और इसने ये लगाया कुछ अगरबत्ती वगरबत्ती जगाई है इसने यहाँ पे और ये फूल वूल बन गए यहाँ पे। बढ़िया,
Hi, the keeper of Black Mountain. नया करेक्टर? Have long been waiting for your arrival. Keeper of Wind Mountain. Oh, his spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. तो ये जो चाचा हैं, ये शायद उस बंदे के लिए इंतजार कर रहे थे जो छह के छह रेलिक ढूंढेगा। मैं बोल रहा है कि तू एकदम उसका स्पिटिंग इमेज है, मतलब बिल्कुल उसी के जैसे दिखता है, सुन मुकोंग के जैसे, जो मंकी किंग था। और आगे कोई ये गुनिया कोई माउंटेन बता रहा है कि वहां पे जाओ, वहां पे कुछ ढूंढ के लाओ। What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? फिर से भेड़िए आ गए। You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. ये चचा के पास भी शेप शिफ्टिंग वाली पावर है भाई। ठीक है भाई, वो तो हमें बोल के भाग गए कि गुड लक टू यू। अब हमें आगे जाके देखना है कि ये कौन कौन से कितने भेड़िए हैं, किन से हमें लड़ना है। चलो भाई, अरे अपना भाला लंबा हो गया था, ये भाला है, डंडा है, जो भी है, काफी लंबा हो गया था। फॉरेस्ट ऑफ वुल, ठीक है, ये भेड़ियों के जंगल में आ गए हम लोग। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे भेड़िए हैं जिनसे हमें लड़ना है। चलो, ये वाले चचा का भी काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक भेड़िया इधर है, इसको भी लेते हैं। हाँ भाई, तू भी आ। कुल्हाड़ी बहुत बड़ी बड़ी ले रखी है इन भेड़ियों ने सबने। ये क्या क्या पत्ता है? कुछ तो है अपने काम की चीज। पर्पल लिंगजी, पता नहीं क्या नाम है भाई। इधर भी कुछ है, ये भी उठा लेते हैं। इधर भी है भेड़िए, इसका तो काम हो गया। एक भेड़िया उधर है, उसके पास भी जाते हैं अभी। पहले ये पत्ते वत्ते उठा लेते हैं, काम की चीज़ें होंगी, बाद में अपने काम आएंगी कुछ ना कुछ बनाने के। ये क्या खरगोश है? खरगोश भी मार सकता हूँ क्या? आवाज़ कहाँ कहाँ से आ रही है ये आवाज़। चलो पहले इस वाले को देखते हैं, ये बैठा है आराम से। ये कोई बड़ा करेक्टर है क्या? ऐसे ही लग रहा है। नहीं, ये कोई बंदर है, भाग गया। इसके पीछे जाना है क्या? नहीं भाई, इधर तो नहीं जा पा रहे हम, यहाँ देखना पड़ेगा। ये कुछ छोड़ के गया है, चला गया वो कहीं पे। मेरा मन कर रहा है, मैंने कहा खरगोश वरगोश का देखें। खरगोश, भूख लग रही होगी अपने बंदर को बेचारे को। अरे रुको जा, भूख लग रही है ऐसे। ओए यहाँ पे तो बड़े वाला दानव है भाई, अपनी फाइट इसी के साथ होने वाली है शायद अब। हाँ, इसी के साथ अपनी फाइट होगी। ओए बहुत पावर है भाई इसकी। ओए कुल्हाड़ी में उठा के क्या करना है अभी? पत्थर बन गया है तो। अच्छा, ये वही आगे चचा आ गए जो हमें पहले मिले थे, जैसे सुन वुकोंग के पास एक वो स्पेल थे ना, जैसे हमने पहली फाइट करी थी उस पहली फाइट के अंदर, की मल्टीपल मंकीज बुला लेता है वो। हाँ, इमोबिलाइज स्पेल। तो सेम चीज शायद हम भी सीखने वाले हैं। Now, here we go. Give me your hand. सिखा दिया भाई, हमें भी सिखा दिया इमोबिलाइज स्पेल। तो इस स्पेल से जो भी एनिमीज हैं वो एक जगह पत्थर के बन जाएंगे और फिर हम उनको आराम से मार सकते हैं। Just point your finger at them
and release this spell. Point your finger at them. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. भाई साहब बहुत खतरनाक character design किया हुआ है. Like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. No! The young ones these days know no manners. बताओ जल्दी कैसे use करना है. कर दिया immobilize. और स्पेल को दोबारा यूज करने का एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के बाद ही हम लोग स्पेल को दोबारा यूज कर सकते हैं. मर गया. तो अगर आप लोगों को दिख रहा है वो कॉर्नर में, तो वहां पे अपना वो स्पेल वाला जो बार है ना वो फिल हो रहा है. तो आर टू क्लिक करके जब हम ये यूज करेंगे, अपना स्क्वायर बटन दबाएंगे, तो अपने वो स्पेल यूज करने को मिलेगा. अभी यार इतना बड़ा दाना मारा है, हमें कुछ तो दो. रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला भाई, पर चलो एक स्पेल सीखने को मिल गया. यहाँ पे है ये बैठे. मेरे ख्याल से जिस रास्ते पे अपने को ये भेड़िए मिलेंगे ना, शायद वहीं पे अपने को जाना है बस. अच्छा, L1 से अपनी हेल्थ पूरी होती है. ओके, एनवायरनमेंट बहुत ही मस्त बनाया हुआ है भाई, इन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया है एनवायरनमेंट. हेल्थ पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ही बढ़ेंगे आगे. उठा लो भाई ये भी. जिनसेंग, खूब जिनसेंग पीता रहा भाई. एक श्राइन टाइप का कुछ ये इधर भी आया है, शायद अपने को यहाँ पे भी किसी से लड़ना भिड़ना हो. इधर बाद में जाएंगे भाई, पहले इधर देखते हैं क्या है. इनको फोड़ के कुछ मिलेगा, कुछ विल करके मिल रहा है. घंटा वंटा तोड़ के भी कुछ नहीं मिला. मेडिटेट. ये शायद अच्छा, इसका ये अपना डंडा घुमा के ना कान के अंदर डाल देता, कान के अंदर. इतना एकदम सूदिंग सा म्यूजिक है, एकदम काम करने वाला, जैसे मतलब सच में ही कोई बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, ऐसा है बिल्कुल म्यूजिक. हो गई मेडिटेशन, निकल लिया कान में से डंडा. स्पार्क अपने हो गए हैं 3. नीचे कूद सकता है क्या? नहीं कूद सकता. आगे भी कुछ ये है जगह होगा, पर शायद उधर जाने का अपना रास्ता नहीं है. कुछ मैप वैप नहीं आता क्या? अभी तक तो मैप का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं भाई इसमें. आगे आए तो अलग बात है, बस एक ये पार्टिकल टाइप का कुछ दिखते रहता है. ये शायद अपने को फॉलो करना है. यहाँ पे ये क्या है, एरो बना हुआ है या क्या है ये? एक और मंदिर मिल गया अपने को. हो गया जितना काम करना था अपने को. चलो भाई. Hey, wait. You don't think you can just parade in, do you? इस बंदे का कुछ नाम नहीं है तो हम इसको मंकी किंग ही बोल देंगे. अभी तक इसका ऐसा कुछ नाम बताया नहीं है. इन चाचा ने भी नहीं बताया कि इसका नाम क्या है, और इसको ये किसी नाम से बुलाते भी नहीं है. कुछ नया स्पेल सिखाएंगे क्या? अंकल ने मधुमक्खी बना दिया. Might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it soon. अंकल ने बोला कि भाई इस तरीके से लड़ते झगड़ते मत जाओ, हम तुम्हें एक मधुमक्खी बनाते हैं, मधुमक्खी बनाने के बाद फिर तुम जाओ अपना आराम से. In the depths of Black Wind Mountain, there are secrets galore. The cicada form may help you explore, but be wary. This form does not last forever. Should you find yourself a few jars of wine, just follow my voice. Wonder if there's anything left inside. Off you go.
ये सिकाडा इसने हमको बना दिया है भाई, और कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, इधर तो कुछ नहीं कर सकते। मैप वैप भी कुछ नहीं दिखा रखा है। कहाँ पे जाना है भाई हमें? यहीं पे जाना था शायद। ये एक नया दानव आ गया भाई। इसी से लड़ना है अब हमें। अरे भाई मार दिया, तोड़ दी कमर हमारे भाई की। इधर से हम लोग आगे बढ़ने के लिए जाएंगे तो शायद वो चाचा आए अपनी हेल्प करने के लिए। नहीं यार, अब तो नहीं आ रहे। अब मेरे ख्याल से हमें लड़के ही जाना पड़ेगा। चलो भाई, ऑफरिंग वॉफरिंग कुछ नहीं देनी हमें, अब सीधा जाके लड़ना है। कहाँ है ये दानव? दानव के ऊपर स्पेल लगाएंगे? नहीं, पहले इसको मारते हैं। चल चल चल, रिकवर होने में भी बहुत टाइम लग जाता है इसको। पीठ तो दिया भाई, पीठ तो दिया, हेल्थ अपनी पूरी चली गई। चलो एक बंदा उधर भी है, उसको भी मारते हैं। पानी में बैठा ना ये, कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहा है। कुछ देगा क्या? पानी की आवाज बहुत तेज है। तीर मार रहे हैं भाई कोई ऊपर से। चढ़ जाओ चढ़ जा चढ़ जा लौंडे चढ़ जा। लड़का तीर मार रहा था ऊपर से ही। बड़े सिर वाला तो अपने से पिट नहीं पा रहा भाई। दो तीन बार ट्राई कर लिया हमने, तो अभी पहले कहीं और चलते हैं। ये छोटे छोटे भेड़ियों को मार के पहले अपनी अपना बिल्कुल सीधा चलते हैं, इसके पास से नहीं आते अभी। यहाँ पे लड़ाई वड़ाई नहीं करते। शायद आगे भी कुछ हो और अपने को कुछ नई पावर वावर मिल जाए जो हमें इसे पीटने में हेल्प करे। या तो हमारे में इतनी स्किल है नहीं कि हम इसे पीट पाए। वो घूम रहा उधर, उसको छोड़ो पहले, अभी आगे चलते हैं। इस ब्रिज से हम लोग अभी गए थे, अभी इधर चलते हैं एक बार। ऊपर वो ब्रिज है, उस पर वो तीर वाला खड़े रहता है शायद। Yeah.
ब्रिज वाले के पास जाने के लिए मुझे इधर से ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्या चीज बना हुआ, कोई मार्ग बना हुआ आ रहा था अभी भी। इस तरफ कुछ नहीं है, इधर ऊपर भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कुछ है शायद, यहाँ इस रास्ते पे चल के देखते हैं। हाँ ये है कोई। Another monkey, I see. शुरू से मेरे ख्याल से हम लोग सीधा वहीं पे चले जा रहे थे। ये भाई उससे थोड़ा हल्का हो तो सही है। उससे तो कम हेल्थ लग रही है भाई इसकी। बॉडी कूलिंग पावर ये भी खा लेते हैं हम लोग। है तो ये भी खतरनाक भाई, पर हमने वो बॉडी कूलिंग पाउडर लिया हुआ है तो शायद वो अपना यहाँ पे काम आ जाए। अरे नहीं यार, हर बार इतने पीछे से मत भेजा करो भाई, अब खून फूकने लगा। चलो अपने को वो आग वाले का रास्ता तो मिला है, पहले आग वाले की तरफ चलते हैं, पहले आग वाले से ही लड़ते हैं। गोंजी पोंजी जो भी नाम है उसका, वहाँ खड़ा होगा देखो, वो रहा ही ऊपर खड़े रहता है तीर मारने के लिए। बॉडी कूलिंग पावर पहले लगा लेते हैं भाई, पाउडर लगा लिया पहले ही अपने ने, और जाके इसको अरे कहाँ है ऊर्जा। कर दे काम, कुछ तो कर दे यार। चल 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 चल, हो सकता है, हो गया हो गया। यस 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 यस, स्पीड दिया। आ भाई बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत मेहनत लगी। कुछ तो मिला भाई, कुछ तो मिला। फ्लेम लुराइज भाई साहब, बहुत मेहनत लगी भाई इसे पीटने में। तो ये जो स्टाफ हमें मिली है नए वाले, इससे हम किसी चीज़ के अंदर ना ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वुल्फ वगैरह के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये क्या है, रिंग द बेल। अब किसको बुलाओगे भाई। भाई अभी तो लड़ाऊँ, इतनी देर से आधे घंटे से इसमें मर रहा था मैं, अब किसे बुला रहा है भाई तू।
You just had to make some noise, did you? अच्छा वही चाचा हैं। When a chime so grand echoes in the forest, Yao Guais will surely be alarmed. बहुत मेहनत के बाद मारा है भाई ये वाला बंदा, बहुत मेहनत के बाद मारा है। मुझे लगता है अब हमें वो बिग हेड के पास जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। ये कोई नई तरह का अपने को वेपन मिला है ना, तो शायद ये हमें हेल्प करे उसको मारने के लिए। इधर ये पानी वानी के पास तो हम पहले घूम चुके हैं। इसी तरीके से हम रेस्ट का कुछ अपने को मिल जाए ना, तो हम रेस्ट वेस्ट करके अपना ये बोतल भर लें पूरी, वापस चलते हैं पीछे जाके ना रेस्ट करके आते हैं। जो अपना वो एक एरिया था ना, क्योंकि किसी ने अगर हमें छू भी दिया ना तो हम लोग मर जाएंगे, और अपनी मुझे नहीं लगता कि अपनी प्रोग्रेस फिर रहेगी। तो ऐसा ना हो कि दोबारा से उस बंदे को पीटना पड़े, तो समझदारी इसी में है कि हम वापस जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके तब आए भाई। चलो भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं करने देगा क्या? करने देगा। रेस्ट करो, पुल करो अपना पूरा मामला, और भाई अब चलो। है अपने पास दोनों डंडे हैं अब अपने पास। चलो एक बार अब चलते हैं बिग हेड के पास, अब शायद हम लोग कुछ कर सकें। कहाँ है भाई साहब? ये आ रहा सामने से, आने दो इसको, इधर आने दो। आधा घंटा उसने लगाया, आधा घंटा ये पिएगा, पक्का पिएगा ये भी आधा घंटा भाई। ये तो बहुत सही पावर है भाई इसकी। बहुत सही बहुत सही, यही हमें लेके आना था यहाँ पे लड़ने के लिए। हो जाएगा इससे हो जाएगा। एक काम करेंगे, पहले अभी दो बार इमोबिलाइज करेंगे उसको, फिर तीसरे में अपना रेड टाइड्स यूज करेंगे, तब शायद ये मर जाए। शांति के साथ एकदम से खेलना है, मारने की ट्राई नहीं करनी है, उससे बचने का ट्राई करना है, गुस्से में नहीं खेलना है। एकदम गुस्से में नहीं खेलना है, समझदारी से खेलना है। पिट जाएगा वो, पिट जाएगा, आराम से शांति से खेलेंगे तो पिट जाएगा। Yeah.
अबे कला का भी मत दिखा, पीट ले से पहले। इतनी मेहनतों के बाद पिटिया ये गधे का बच्चा हाथ जोड़ रहा है वो सामने। ओ भाई, अरे भाई साहब इतनी मेहनत करी है ना इसमें, कुछ तो दे दो। क्या दे रहे हो तुम मुझे? ओ इसकी आत्मा वात्मा पकड़ ली मैंने। कैन नॉट ऑब्जर्व स्पिरिट विदाउट गाइडेंस, किसकी गाइडेंस के बिना नहीं मिलेगी भाई स्पिरिट। भाई दे दे यार, इतनी मेहनत करी है यार, दे दे भाई प्लीज विकी प्लीज। नहीं मिल रही गाइडेंस, आगे जाके किसी को लेके आना पड़ेगा शायद साथ में। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर ये हमें दे दे भाई, दे दो यार। अब तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा इसे पकड़ने का। कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। मैं बार बार ये देख रहा हूँ ये वाली फाइट रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं हुई है, पता लगा इतनी मेहनत करी है उसके बाद फिर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है सब। ऊपर भी कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलो आगे चलो। अब कहाँ जाना है? ये क्या है, खरगोश है ये? फिर से आ गई कटकुंजी है छोटे छोटे। हेल्थ बढ़ाने के लिए अपने पास कुछ नहीं है किसी भी तरीके से, अभी ऐसे ही मार के इनसे काम चलाना पड़ेगा। आगे अगर कोई आ गया ना, गोंगिन टेंपल। ये कोई टेंपल में जाने से पहले यार हम ना अगर थोड़ी अपनी रेस्ट वेस्ट करके हेल्थ बढ़ा लेते तो अच्छा रहता। In the backyard is Black Wind Gwai's ally, calls itself Ling Shutsa. Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. भाई ये राजपाल यादव फिर से आया था। हो गया हो गया, अपना अब यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे अपना बैठ के। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो हमें यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। बहुत मेहनत के बाद वो बिग हेड वाला बंदा पिटा है हम लोगों से यार। अभी आगे वाला बंदा और कैसा होगा, कैसा विलन होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो अपना यहाँ पे रेस्ट वेस्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर अपना हम भी रेस्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे, फिर इसके मिशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।